The third is sex as a status symbol. This one is very interesting. Sex ko hum itni ever so often, especially men, even women, but especially men, use sex as a status symbol. मैंने इतनी लड़कियों के साथ, इतनी औरतों के साथ, इतनी खूबसूरत औरतों के साथ, मेरे को रिस्पेक्ट करो, मैंने इतनी औरतों के साथ. This is a very common teenage behavior जो मर्द डिस्प्ले करते हैं, टीनेज, थोड़ा उसके बाद भी यंग एडल्ट. और उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? ऐसा है कि सेक्सुअल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, इज अ प्रोसेस ऑफ मेन पिकिंग द वुमेन दे वांट, वुमेन पिकिंग द मेन दे वांट, और जहां पे ओवरलैप हुआ वहां पे तुम जाओ अपनी मौज करो. मर्दों को सुंदर औरतें पसंद हैं, अट्रैक्टिव फिजिकली प्राइमरी लेवल पे, देयर इज अदर फैक्टर्स टू, बट प्राइमरी लेवल पे औरतों को स्ट्रांग मैन पसंद है, राइट? और वो स्ट्रांग मैन जो है इज अ मेजर ऑफ कॉम्पिटेंस, वो जो सुंदर औरत है इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस, है ना? अब सपोज मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं, मैं इतना लायक नहीं हूं, बट मेरे को इस लड़की ने वैलिडेट कर दिया सेक्स करके मेरे साथ, तो मेरे को लगेगा मेरी औकात इतनी है कि अगर मैंने सिर्फ फाइनल टेस्टिंग से एक्चुअल रिपोर्ट्स निकालनी, मैंने सिर्फ फाइनल स्टेप कंप्लीट किया और मैंने बोला मैंने पूरा काम कंप्लीट कर लिया है, खुद को वैलिडेट करने का प्रोसेस गोज थ्रू एक्चुअली बिकमिंग कॉम्पिटेंट. मैंने सिर्फ एक औरत की वैलिडेशन, जो मेरे को रिजल्ट मिलता कॉम्पिटेंट होके, वो लेके अपनी कॉम्पिटेंस एस्टैब्लिश कर ली कि मैं बहुत महान हूं, मेरे को ये लड़की पसंद करती है. ये रीजन है वाई देर इज सो मच चीटिंग इन्वॉल्व. और ये सेम दिस इज फॉर वुमेन एज वेल, मेरे को इस लड़के ने पसंद कर लिया, इसका मतलब मैं इन लड़कियों से सुंदर हूं, मेरी ये वैल्यू है. और दिस इज द कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ चीटिंग, जो धोखाधड़ी होती है रिलेशनशिप्स में, उसका बहुत बड़ा कॉज इज दिस, is using sex as a way to signal status, as a way to signal sexual fitness. मैं उन लोगों के साथ sex करूंगा जो मेरे को अपने बारे में better feel कराएं, कि मेरी society में value ज़्यादा है. And this is the cause of people who use sex as status symbol destroy so many relationships in their life.